का नंबर वन प्रोड्यूसर स्टेट आंध्र प्रदेश है। देश में टर्मरिक का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला देश आंध्र प्रदेश है। देश में टोमेटो का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला देश प्रदेश आंध्र प्रदेश है। देश में चिली का, मिर्ची का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करने वाला, एक्वा कल्चर जैसा मैंने कहा उसमें सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करने वाला प्रदेश आंध्र प्रदेश है। और जो अभी जिस तरह का विजन आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने हम सबके सामने रखा है कि एक करोड़ जो है अभी जिस जो 40 लाख हेक्टेयर की स्थिति में जहां हम खड़े हैं वहां से 1 करोड़ हेक्टेयर की स्थिति पर जिस तरह से आदरणीय चंद्रबाबू नायडू साहब आने वाले समय में इस प्रदेश को हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में ले जाने वाले हैं, मुझे लगता है कि दुनिया का सबसे बड़ा हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस का जो है केंद्र आंध्र प्रदेश बनने वाला है। जो आंध्र प्रदेश पूरी दुनिया में आईटी सेक्टर के प्रोड्यूसर्स के नाम से जाना जाता था, आने वाले समय में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के प्रोड्यूसर के नाम से जाना जाएगा। इसके लिए मैं आदरणीय चंद्रबाबू नायडू साहब को बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, जैसा मैंने कहा कि हमारी जो यात्रा है, जो सफर है, वो सफर जो फूड स्टारवेशन से शुरू हुआ था, वो फूड स्टारवेशन से लेकर के फूड सरप्लस कंट्री तक आज हम पहुंचे हैं। आज तक जो हमारी जो अप्रोच रही थी वो अप्रोच हमेशा प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने की अप्रोच रही कि हम अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करके किस तरह से अपने जो है देश को खाद्यान्न के लिए सेल्फ सस्टेनेबल बना सकते हैं, फूड के लिए सेल्फ सस्टेनेबल बना सकते हैं। लेकिन अब हमको आज जिस स्थिति में हमारा देश खड़ा है और जिन आंकड़ों की चर्चा मैंने आपके सामने की, 2030 तक हमारे देश को जितने खाद्यान्न की आवश्यकता है लगभग उस जिस गति से हम बढ़ रहे हैं हम उस गति से उस आंकड़े को आसानी से छू सकते हैं। लेकिन आज भी हमारे देश में लगभग 93,000 करोड़ रुपए का जो है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, चाहे वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हों, चाहे वो सीरियल्स एंड पल्सेस हों, ऐसा प्रोड्यूस जो है वो पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट नहीं होने के कारण से आज भी व्यर्थ हो जाता है। देश की सरकार उस दिशा में काम कर रही है और टेक्नोलॉजी को इंड्यूस करके जिस दृष्टिकोण से आंध्र प्रदेश आगे बढ़ रहा है, हम मैं इस विश्वास करता हूँ कि निश्चित रूप से इस दिशा में भी हम लोग सफलता प्राप्त करेंगे। और अगर हम इस दिशा में सफलता प्राप्त करते हैं तो हमारी अब अप्रोच हमको बदलने की आवश्यकता है। जो हमारी प्रोडक्टिविटी सेंट्रिक अप्रोच थी उस प्रोडक्टिविटी सेंट्रिक अप्रोच को बदल करके हमको अपने एग्रीकल्चर सेक्टर की अप्रोच जो है उसको मार्केट सेंट्रिक अप्रोच की तरफ जाना पड़ेगा। मित्रों, देश का 40% एरेबल लैंड जो है, कृषि योग्य भूमि जो है, उस 40% कृषि योग्य भूमि में हम अभी धान और गेहूं का उत्पादन करते हैं। मैं अभी चंद्रबाबू नायडू साहब के साथ में आंकड़ों की चर्चा कर रहा था, जो 40% क्षेत्र में हम पैडी और राई जो है वीट उगाते हैं उसका टोटल एग्रीकल्चर की इकोनॉमी जो है उसमें केवल 18% हिस्सा है, जबकि 18% जमीन पर जो हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल उगाते हैं, जो हम हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस उगाते हैं उसका हिस्सा जो है एग्री इकोनॉमी में 36% है। हमको जो है हाई वैल्यू प्रोड्यूस की तरफ ट्रांसफर करना पड़ेगा। मैं कृषि वैज्ञानिकों का भी इस समय पर यह आह्वान करना चाहता हूँ कि हमारे देश के कृषि वैज्ञानिकों को जो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने का उन्होंने का बीड़ा उठाया हुआ है इस दिशा में और तेजी से काम करने की आवश्यकता है, ताकि हम जो चावल और जो गेहूं में जो जमीन जितना हम उसकी उस उपयोग में लेते हैं उस जमीन को वहाँ से स्पेयर करके हम हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स की तरफ एग्रीकल्चर की तरफ उस जमीन को ले जा सकें। और जैसा अभी विजनरी लीडर चंद्रबाबू नायडू साहब ने कहा कि उन्होंने इस दिशा में ऑलरेडी काम प्रारंभ किया है, निश्चित रूप से जो है इस दिशा में भी देश बहुत आगे प्रगति करेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। मित्रों, हमको इस दिशा में एक कदम और आगे बढ़ने की आवश्यकता है। जैसा अभी टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स और स्टार्टअप्स अपनी बात बताते हुए कह रहे थे, हमको जो अप्रोच अपनी कृषि के प्रति अप्रोच है उस अप्रोच को इंटीग्रेटेड अप्रोच में कन्वर्ट करते हुए फार्म टू फॉक, क्योंकि फूड आने वाले समय में पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड में फूड इज एन इंडस्ट्री, आने वाले समय में हिंदुस्तान जो दुनिया का 15% पॉपुलेशन होल्ड करता है यहाँ भी फूड इंडस्ट्री के रूप में कन्वर्ट होने वाला है। हमको अपनी अप्रोच को आज से इस दिशा में परिवर्तित करना पड़ेगा और आज से इस दिशा में काम करना प्रारंभ करना पड़ेगा कि हम फार्म से लेकर के और फॉक तक सीधे अपने प्रोड्यूस को पहुंचाने के लिए फूड प्रोसेसिंग को जो है वो धरातल के स्तर पर, जमीन के स्तर पर, और जैसा अभी प्रेजेंटेशन में चौथे प्रेजेंटेशन में दिखा रहे थे कि जो स्टार जो एग्री स्टार ने जो प्रेजेंटेशन दिया था उस प्रेजेंटेशन में उन्होंने दिखाया कि किस तरह से उन्होंने फार्मर्स को जोड़ करके और जो है प्रोड्यूस को, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को
उनके टमाटोज को जो है प्रोसेस करने की इंडस्ट्रीज को फार्मर सेंट्रिक बनाए, इसी तरह से और अधिक इसी दिशा में और अधिक काम करने की आवश्यकता है। और हाई वैल्यू प्रोड्यूस के साथ साथ में हम यदि पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट को ठीक से कर पाते हैं तो एग्रीकल्चर के सेक्टर में हमारे देश में जिस तरह की परिस्थितियां हैं हम निश्चित रूप से कीर्तिमान जो है कायम कर सकते हैं। मित्रों, पूरी दुनिया में भारत केवल एकमात्र ऐसा देश है जिसमें सब तरह के टेम्परेचर रीजन्स हैं, जिसमें सब तरह की एवेन्यूज एंड अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं। हम ठंडे प्रदेशों में उत्पन्न की जाने वाली एक्वाकल्चर से लेकर के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से लेकर के कोस्टल एरिया में पैदा किए जा सकने वाले किसी भी प्रोड्यूस, और मैं विश्वास के साथ में कह सकता हूं नायडू साहब की पूरी दुनिया में खाया जा सकने वाला कोई भी प्रोड्यूस है, चाहे वो मरीन प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो, चाहे वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हो, चाहे हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस हो, पूरी दुनिया में खाए जा सकने वाला कोई भी प्रोड्यूस हो, उसको पैदा करने की क्षमता भारत की धरती में है। हमको अपनी अपॉर्चुनिटीज को पहचानते हुए जो मार्केट सेंट्रिक अप्रोच के साथ में उस दिशा में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। सस्टेनेबिलिटी ऑफ फार्मिंग जिसकी चर्चा पूरा देश आज कर रहा है, निश्चित रूप से यह समय की मांग, समय की आवश्यकता है। न केवल इसके लिए, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो लक्ष्य 2022 तक किसानों की आमदनी दुगने करने का रखा है वो भी निश्चित रूप से इसी दिशा में बढ़ाया हुआ एक कदम है। और जो मार्गदर्शन जिन 7 सूत्रों के साथ में कि हम अपनी जमीन का किस तरह से टेस्ट करें, पहली बार इस देश में किसी लीडर ने, किसी प्रधानमंत्री ने हमारे जमीन जो किसान की धरती है, जो बेस है, उसकी चिंता करते हुए पहली बार देश में किसी लीडर ने सॉइल हेल्थ कार्ड की सॉइल की टेस्टिंग हो उसकी दिशा में काम किया। और यहां मैं एक बार फिर बधाई देना चाहता हूं आदरणीय चंद्रबाबू नायडू साहब को और यहां के एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब को कि इस स्कीम में भी देश में पहले नंबर पर किसी प्रदेश ने यदि इससे 100% टारगेट को अचीव किया तो वो आपकी लीडरशिप में आंध्र प्रदेश ने क्या अचीव किया है। अभी देश ने 97% फार्मर्स की लैंड को हमने उनकी सॉइल हेल्थ को टेस्ट किया है। और सभी आदरणीय नायडू साहब चर्चा कर रहे थे कि सॉइल हेल्थ के टेस्ट करने के कारण से हमने जो इनपुट कॉस्ट है, चाहे वो फर्टिलाइजर्स की कॉस्ट हो, चाहे वो पेस्टिसाइड्स की कॉस्ट हो, उसको रिड्यूस करने में कामयाबी पाई है। मैं आज अत्यंत खुशी के साथ में आप सबसे सामने ये बात कह सकता हूँ कि सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम लागू करने के कारण से जिस तरह से किसानों में कि यूरिया की डिमांड कम हुई है, देश के यूरिया की खपत पिछले देश में यूरिया की डिमांड जो है पिछले एक साल में 12% के लगभग घटी है, और निश्चित रूप से ये अत्यंत ही सराहनीय और अत्यंत ही बड़ी उपलब्धि इस देश की सरकार की है। इसके अलावा भी यदि हम किसान की खेती को सस्टेनेबल बनाना है तो उसकी एक आवश्यकता ये भी है कि हम किसान की आमदनी को बढ़ाएं। यदि हम आमदनी को अन्य क्षेत्रों के बराबर नहीं कर पाएंगे तो हम किसान को खेत में काम करने के लिए प्रेरित नहीं कर पाएंगे, उसे खेत में काम करने के लिए नहीं रोक पाएंगे। मैं सामाजिक जीवन में पिछले 25 साल से काम करता हूं। मुझे डॉक्टर मिलता है कि वो अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहता है, मुझे इंजीनियर मिलता है कि वो अपने बच्चे को इंजीनियर बनाना चाहता है, वकील अपने बेटे को वकील बनाना चाहता है, अब जो है अधिकारी अपने बच्चों को अधिकारी बनाना चाहते हैं, व्यापारी व्यापारी बनाना चाहते हैं। लेकिन आज तक मुझे 25 साल में एक भी फार्मर ऐसा नहीं मिला, किसान ऐसा नहीं मिला जो ये कहता हो कि मैं अपने बेटे को किसान बनाना चाहता हूं। और इस दिशा में इससे देश को परिवर्तित करने की आवश्यकता है। यदि हम परिवर्तित का जो है उसको सस्टेनेबल फार्मिंग देंगे और इनकम का एश्योरेंस मिलेगा तो निश्चित रूप से देश का युवा जो है आने वाली पीढ़ी, और जिस तरह का टेक्नोलॉजी का इंडक्शन हम इसमें कर रहे हैं, आने वाली पीढ़ी को हम इसके लिए जो है मोटिवेट कर पाएंगे और रख पाएंगे, और ये बहुत बड़ी कामयाबी इस देश में होगी। मित्रों, एक अंतिम बात कहकर के मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। अभी जो है छोटे जिस तरह से देश की जमीन फ्रेगमेंट हो रही है, एग्रीकल्चर लैंड जिस तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी टुकड़ों में बंटती जा रही है, आंध्र प्रदेश में भी लगभग एवरेज लैंड होल्डिंग जो है वो 1.6 एकड़ बचा है। और देश की अगर टोटल परिस्थिति में कुछ बड़े राज्यों को, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात, इन 3 राज्यों को बाहर कर दो तो, और हरियाणा इन 4 राज्यों को बाहर कर दो तो, देश का एवरेज फार्मर लैंड होल्डिंग जो है वो 0.8 हेक्टेयर पर सिमट गया है। और आने वाले 30 साल बाद में ये घट करके यदि 3 टुकड़ों में भी और डिवाइड होगा तो 0.2 हेक्टेयर तक पहुंच जाएगा। हमको इसके बारे में भी आज से चिंतन करने की आवश्यकता है। और जैसा नायडू साहब अभी बता रहे थे, हमारे कि आंध्र प्रदेश ने इस दिशा में काम किए करना प्रारंभ किया है, हमारे नीति आयोग ने भी इस दिशा में एक ड्राफ्ट बनाया है, और देश भर में उन्होंने 10 पायलट प्रोजेक्ट इस दिशा में काम करने का जो है बीड़ा लिया है कि हम किसानों की जमीन को पूल करके इक्विटी बेस एक स्केलेबल फार्म बना करके और उसके साथ में लॉजिस्टिक्स का सारा जो है सिस्टम वहाँ क्रिएट करें, उस फूड को प्रोड्यूस करने का, उस प्रोसेस करने का भी सिस्टम वहाँ पे जो है क्रिएट करें,
ताकि एक ऐसा सक्सेसफुल मॉडल बने जो आने वाले भविष्य की कृषि को मार्गदर्शन करे। मैं चंद्रबाबू नायडू साहब से निवेदन करूंगा कि निश्चित रूप से, क्योंकि आप विजनरी लीडर हैं और आप एक कदम आगे बढ़ के चलते हैं, मैं इनसे निवेदन करूंगा कि उन 10 प्रोजेक्ट्स में से एक प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश में किया जाए, ताकि यहाँ के किसानों को और यहाँ के जो है अन्नदाताओं को भी इसके बारे इससे इसके माध्यम से लाभ मिल सके। मैं आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं देते हुए कि आने वाले समय में, आज ये जो समिट में 3 दिन जो ब्रेनस्टॉर्मिंग यहाँ हो रही है, जिस तरह का डिस्कशन हम यहाँ कर रहे हैं, उस डिस्कशन के से एक नया मार्ग कृषि के रूप के क्षेत्र में निकलेगा और ये आने वाले समय में देश की कृषि और कृषि से जुड़ी हुई अर्थव्यवस्थाओं के साथ साथ देश के 80 करोड़ लोगों को और अधिक सामर्थ्यवान बनाने की दिशा में काम करेगा। मैं आप सबको बधाई देते हुए आदरणीय चंद्रबाबू नायडू साहब को इस बात के लिए धन्यवाद और आभार एक बार फिर व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे इस आप सबसे बात करने का मौका दिया, आप सबके साथ में आने का मौका दिया और इस देश में कृषि के क्षेत्र में जो एक नए क्रांति का सूत्रपात आंध्र प्रदेश की इस धरती से होने वाला है, उसको उस क्रांति के साथ में जुड़ने का अवसर दिया। मैं इस बात का इश्योरेंस करते हुए कि भारत की सरकार, जैसा अभी कहा था कि हैंड इन हैंड एंड फीट इन फीट, इन दोनों तरीकों से आपके साथ में खड़ी है और आप जो है साथ मिल करके जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मॉडल माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है, जो टीम इंडिया के स्पिरिट के साथ में हम सब लोग काम करें, ऐसा कॉन्सेप्ट जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है हर एक क्षेत्र में, और चाहे वो एग्रीकल्चर का सेक्टर हो या कोई और सेक्टर हो, हम सब साथ मिलकर के इस देश को एक नया भारत, एक समृद्ध भारत, एक सक्षम भारत बनाने की दिशा में काम करेंगे। बहुत बहुत आभार। जय हिंद।